स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 पार्ट ए, जहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम, ओके CRLD। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको, जब रूट लोकस की प्रॉपर्टीज देखी थी कि प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3 आर सेम एज द रूट लोकस, और इनका कंपैरिजन भी देखते हुए चलेंगे तो देखते हैं यहाँ पे, ओके। उसके पहले एक चीज़ और देखते हैं, वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, वो एक चीज़ है ये। हाँ, एक तरीके की इसको समरी बोल सकते हैं, एक तरीके की ये समरी है कि OLTF जो हमारा होता है उसकी, ये तो हमें पता ही है, उसी की मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, उसकी मदद से हम रूट लोकस डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है। उसकी मदद से हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ये एक तो टाइम डोमेन की चीज़ होती है, अभी हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन वाली चीज़ को शुरू नहीं किया है, उसकी मदद से हम स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये भी आपको पता है। अगर स्टेबल वो नहीं है, क्योंकि रूट लोकस डायग्राम हमें ये बता तो देगा कि वो स्टेबल है या नहीं है, तो आप क्या करो, उसको रीडिज़ाइन करो, अपने सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को रीडिज़ाइन करो, ओके। उससे क्या होगा कि आप फिर से चेक करो रूट लोकस डायग्राम की मदद से ही कि वो स्टेबल है कि नहीं, जब तक स्टेबल ना हो जाए तब तक आप उसको रीडिज़ाइन करते रहो, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर वो स्टेबल है तो क्या, अगर वो स्टेबल है तो फिर आप डैम्पिंग कंडीशंस को चेक करो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैम्पिंग कंडीशंस। अगर आपकी डैम्पिंग क्रिटिकल टाइप की है या ओवर है या अनडैम्प्ड, जो कि आपकी तीनों ही आपकी अनडिजायरेबल डैम्पिंग होती है, क्रिटिकल अनडिजायरेबल नहीं है बट वो आइडियली पॉसिबल नहीं होती है ना, तो ये तीनों तरह की अगर डैम्पिंग है तो आप इसका एनालिसिस नहीं करोगे, क्योंकि एनालिसिस नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, वो स्टेबल है बट आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस केवल और केवल आप एक ही केस में कर सकते हो, जो कि आपका अंडर डैम्प्ड वाला पॉइंट, ओके, अंडर डैम्प्ड। तो अगर आपका डैम्पिंग कंडीशन, पहले तो आप चेक करो स्टेबिलिटी रूट लोकस डायग्राम की मदद से, ठीक है, रूट लोकस डायग्राम की मदद से स्टेबिलिटी चेक करें, स्टेबल है तो फिर आप जाओ डैम्पिंग कंडीशन पे, डैम्पिंग कंडीशन अगर आपकी अंडर डैम्प्ड है तो फिर आप उसका रेस्पॉन्स का एनालिसिस करो, और नहीं तो फिर आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते भले ही वो स्टेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट टाइप का, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब चलते हैं वापस, ओके। हाँ, तो हम यहाँ पे करने वाले थे कंपैरिजन कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम और आपका नॉर्मल जो रूट लोकस है। तो मैंने क्या कहा, शुरू की तीन प्रॉपर्टी सेम है, रूट लोकस डायग्राम इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, सेम हम पहले देख चुके हैं। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस, जो भी ज़्यादा हो, ओपन लूप पोल्स ज़्यादा होंगे या ओपन लूप जीरोस ज़्यादा होंगे, अगर पोल्स ज़्यादा होंगे तो ये, और अगर जीरोस ज़्यादा होंगे तो ओपन लूप जीरोस, ओके। तीसरी प्रॉपर्टी, रूट लोकस ब्रांच ऑलवेज डिपार्ट करती है पोल से, ये हमको पता है, फ्रॉम ओपन लूप पोल फॉर के इक्वल टू जीरो पे डिपार्ट करती है, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे अराइव करती है, अराइव्स इधर एट ओपन लूप जीरो पे अराइव करेगी या फिर आपका इन्फिनिटी वाली जो एक्सिस पे इन्फिनिटी पॉइंट होता है वहाँ अराइव करेगी। ये तीन प्रॉपर्टी सेम थी। चौथी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो वहाँ पे ऑड वाला कॉन्सेप्ट होता था वो अब यहाँ पे इवन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो मैंने कहा था ना कि राइट साइड में आपका जो ऑड होता था, ओके, वो अब यहाँ पे इवन होगा, ठीक है। राइट ऑफ विच टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस जीरोज इज इवन, इवन नंबर होना चाहिए, केवल और केवल वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ, जैसे यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो ये रूट लोकस आपका एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस आपका यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो इवन के लिए एग्जिस्ट करता है, वो ऑड के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये डिफरेंस है। प्रॉपर्टी नंबर 5, जो फाइव ये था आपका एंगल का, असिम्प्टोट का, तो 2k प्लस 1 की जगह हम यहाँ पे 2k का इस्तेमाल करते हैं ओनली, ओके, 2k का इस्तेमाल करते हैं केवल और केवल, और बाकी सब कुछ सेम है। तो उससे क्या होगा कि बस आपका ये जो एंगल्स की वैल्यू है ये चेंज हो जाएंगी, 0 के लिए, ठीक है, 1 के लिए तो वही रहेगा, फिर ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा इसमें। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल 2k इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस 1 यहाँ पे हमारा चला गया। उसके बाद प्रॉपर्टी 6, 7 और 8, ठीक है, तो 6, 7, 8 फिर से ये वही चीज़ आ गई कि ये आपका सेम होता है। द पॉइंट एट विच ऑल असिम्प्टोट मीट ऑन द रियल एक्सिस सेंट्रोइड वाला पॉइंट आपका एग्जैक्टली सेम है। DK/DS वाला पॉइंट, ब्रेक अवे ब्रेक इन सेडल पॉइंट वाला सेम है। एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस फ्रॉम, ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा या तो वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। ये किसके लिए था, ये सिंपल वाले के लिए था, जहाँ पे हम सिंपल
की बात कर रहे थे, सिंपल रियल जीरो या फिर सिंपल रियल पोल की बात कर रहे थे, केवल वो पॉइंट एट्थ वाला। मैंने क्या आपको बताया था, एट्थ नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ प्रॉपर्टी लगभग लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है एक जैसे, तो उसमें से ओनली एट्थ आपका सिमिलर है। तो देखो क्या क्या चेंज था, फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इवन वाले पे चेंज थी, ऑड की जगह इवन, फिफ्थ प्रॉपर्टी में 2k प्लस 1 की जगह 2k इस्तेमाल होगा और ये हमेशा हमारे नीचे तक होगा, पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की प्रॉपर्टीज में 2k प्लस 1 की जगह ओनली 2k इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे देखो केवल एक डिफरेंस है, 2k प्लस 1 की जगह ओनली 2k इस्तेमाल है। ओनली 2k इस्तेमाल होने की वजह से जो जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं एंगल में वो हम यहाँ पे देखेंगे, केवल एंगल चेंज हो जाएंगे हमारे। और फिर टेंथ प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ है, 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k, क्योंकि वहाँ पे 2k प्लस 1 होता था वो ऑड होता था, 2k प्लस 1 हमें हमेशा ऑड वैल्यू देगा, तो ऑड वैल्यू के लिए 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री केवल 180 डिग्री के इक्वल होता है, पर इवन वैल्यू के लिए वो हमारा जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये 5 डिपार्चर के वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ओनली प्लस माइनस 5, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल प्लस माइनस 5, बाकी ये सब कुछ सेम है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, द एंगल ऑफ अराइवल की बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज़, 2k प्लस 1 होगा नहीं, केवल 2k होगा, तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस 5 करते थे तो ये केवल माइनस 5 आपका आंसर में बचेगा, प्लस माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर माइनस 5 ओनली। तो ये चीज़ है, जहाँ जहाँ 2k प्लस 1 है वहाँ केवल 2k कर दो, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, जो रूट लोकस की प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में केवल इतना चेंज किया है। और एक प्रॉपर्टी में ऑड की जगह इवन, तो पूरी की पूरी 11 प्रॉपर्टी तक कुछ भी ऐसा चेंज नहीं था, 2k प्लस 1 की जगह 2k था और ऑड की जगह इवन था। फिर उसके बाद 12th और 13th प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिमिलर। 14th प्रॉपर्टी में मैग्नीट्यूड कंडीशन भी सिमिलर है, चेंज आपका केवल आता है फेज वाली कंडीशन में, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2k प्लस 1 की जगह 2k कर दो, तो पूरे के पूरी रूट लोकस की प्रॉपर्टी या कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की प्रॉपर्टी में केवल दो चेंज है आपका, एक तो ऑड की जगह इवन हो जाएगा और आपका 2k प्लस 1 की जगह आपका 2k हो जाएगा, बस ये दो ही चेंज इनके बीच में है। तो अब क्योंकि ये 2k प्लस 1 की जगह 2k हो गया इंटू 180 डिग्री था, तो ये जीरो बन गया, तो आपका आंसर जो वहाँ पे प्लस माइनस 180 डिग्री आता था कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए डायग्राम के लिए, वो जीरो डिग्री देगा। तो वो एस नॉट वो पॉइंट है जहाँ पे फेज आपका जीरो डिग्री वैल्यू देते हैं। ओके, ये चीज़ था, ये कंक्लूजन। तो इतने जल्दी से पूरा का पूरा कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब एक बार इनको फिर से देख लेते हैं लाइन से, और इसके लिए आपको, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 1, 2, 3 सेम है, तो इनको मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये आपको जो रूट लोकस डायग्राम में देखी थी वहाँ से पता होनी चाहिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में वही चीज़ हो जाती है, जो इवन ऑड की जगह इवन, ठीक है, इवन चेंज फ्रॉम ऑड टू इवन, तो इनको मैं बार बार यहाँ पर बता भी रहा हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी में केवल 2k आप कर लो, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होगा, तो ओनली 2k एंड नॉट 2k प्लस 1, तो ये प्रॉपर्टी में ये चेंज आया। फिर से 6, 7, 8 आपकी सेम है। नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या है, 2k की जगह फिर वही चीज़, इन प्लेस ऑफ 2k प्लस 1 2k इन नाइन प्रॉपर्टीज़। 10th प्रॉपर्टी में भी वही चीज़, तो 10th प्रॉपर्टी का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 5, 11th का हो जाएगा प्लस माइनस 5, ओनली ये बचेगा, क्योंकि 180 डिग्री तो हट गया। 180 डिग्री क्यों हट गया, पहले उसमें 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई होता था जो कि ऑड बना देता था उसको, ऑड वैल्यू के लिए 180 डिग्री के ही इक्वल होता है, बट यहाँ पे 2k बचा केवल, 2k इवन बनाएगा वैल्यू को, तो 180 डिग्री हो जाएगा जीरो, तो इसलिए केवल प्लस माइनस 5 बचेगा, या तो आपका माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बचेगा। फिर 12th और 13th प्रॉपर्टी सेम है। अब 14th प्रॉपर्टी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि फेज कंडीशन में आपका एस नॉट वो पॉइंट होगा जहाँ पे फेज आपको 0 डिग्री मिले, प्रीवियसली जो प्लस माइनस 180 डिग्री होता था। ओके, उसके बाद कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो बीच में क्वेश्चन है इसको देखेंगे, फिर ये लेक्चर हमारा, लेक्चर 9th जो हमारा ए है वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रूट लोकर इज ड्रॉन टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। ये तो बहुत बेसिक बात है कि रूट लोकर्स को हम बनाए क्यों रहे हैं, तो स्टडी करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम को। अब स्टेबिलिटी वाले पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इफ ऑल रूट लोकस ब्रांचेज आर कंप्लीटली ऑन द लेफ्ट साइड, अगर सारी के सारी रूट लोकस की जो ब्रांचेज हैं वो लेफ्ट साइड में होंगी तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि इफ एनी, अगर एक भी इफ एनी ऑफ द रूट लोकस ब्रांच, एक भी रूट लोकस की ब्रांच अगर आपका, मान लो सारी तो लेफ्ट में बस एक आपका राइट में हो गई, तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। फिर अटैच टू स्टडी सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स वी डू नॉट कंसिडर, तो ये हमने पहले ही देखा है कि हम एनालिसिस करते वक्त कैसे लेते हैं, ओपन लूप लेते हैं जीरो और इन्फिनाइट का,
तो के की वैल्यू जीरो और इन्फिनाइट पे हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी करना मतलब एनालिसिस करना। फिर टी डी टी आर टी एस हम निकाल सकते हैं रूट लोकस से, कैसे? विद द हेल्प ऑफ टी। तो फाइंड टी, टी को फाइंड करके, जब अगर आप टी को फाइंड कर लेंगे तो आप टी डी टी आर टी एस निकाल सकते हैं। टी को फाइंड कर सॉरी करने के लिए सिंपल सा पॉइंट है, टेक एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस एंड मेजर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजन। किस रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट लो और ओरिजन से उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लो। मान लो कि वो एक्स है, तो केवल जो आपने मेजर किया ना डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही आपका कैपिटल टी के टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। तो बहुत सिंपल है, वी कैन कंसिडर पॉइंट एनी वेयर ऑन द रूट लोकस, रूट लोकस पे कहीं भी पॉइंट ले लो। वी से इफ के इज ग्रेटर देन आपका इन्फिनिटी, दैट सिस्टम इज अनस्टेबल बट फर्स्ट ऑर्डर इज एक्सेप्शन। हमने क्या बोला कि अगर के आपका इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ओके, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि आपका है ही एक ऐसा आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है कि अगर ऐसा होगा तो, बट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, तो जो कि एक तरीके का एक्सेप्शन है। अब यहाँ से क्वेश्चन सब देखेंगे लेक्चर 9 भी, तो उसके पहले एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था लेक्चर 9A का, जो कि है ये। देखो तो इसको क्या करना है ना, बारी बारी से देखना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ओके, जितना स्क्रीन पर दिखे बस उस पर ही ध्यान देना है। तो ओ एल टी एफ आपको दिया है इस तरीके से, जी एच एस वन अपन एस टी ऑप्टेन पोल जीरो पैटर्न, पोल जीरो पैटर्न या फिर रूट लोकस डायग्राम ही है। ओके, पोल जीरो पैटर्न इज इट्स एन रूट लोकस डायग्राम, ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या करो, पहले तो आप एस को अलग कर लो, टी को मतलब जो ओपन लूप गेन होता है उसको अलग कर लो। ओपन लूप गेन वो है जो कि आपको न्यूमरेटर में मिलता है। अगर मैं नीचे केवल एस को रखूँ, मतलब एस का मतलब है एस की पावर वन, ओके, नॉर्मली तो वन अपॉन टी ऊपर चला जाएगा, तो ये जो वन अपॉन टी है यही आपका के की वैल्यू के इक्वल होगा, इसी को हम ओपन लूप गेन बोलेंगे। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं के अपॉन एस से। तो स्टैंडर्ड ओ एल टी एम जो के अपॉन एस का होता है उसको निकालेंगे, और जहाँ जहाँ के होगा वहाँ पर वन अपॉन टी की वैल्यू को हम लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है, स्टैंडर्ड ओ एल टी एफ के अपॉन एस का क्वेश्चन है ये। इन रूट लोकस थ्योरी ये स्टेबल होता है, जो कि मैं मतलब पहले से बता दे रहा हूँ कि ये स्टेबल होता है। हम केवल इसको निकालेंगे प्रॉपर्टीज़ की मदद से, एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी टाइम कॉन्स्टेंट की, तो टाइम कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए कुछ भी मत करो, एक पॉइंट ले लो एक्स। देखो उसको भी मैं शो कर देता हूँ, ये मैंने क्या लिया है एक्स, जहाँ मेरा ये हाईलाइटर चले वहाँ देखो ये एक्स लिया है। एक्स कहाँ है, आपका जो ओरिजन है वहाँ से कोई भी डिस्टेंस, आपने मतलब रैंडम कुछ भी डिस्टेंस ले ली वो एक्स है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो एक्स है, इसकी वैल्यू को निकाल लोगे उसका रेसिप्रोकल ही आपका टाइम कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये बेसिक सा हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको ये निकालना है कितनी ब्रांच है। तो वन ओपन पूल है, ओपन पोल है यहाँ पे, तो केवल एक ब्रांच होगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ओपन पोल्स के इक्वल होता है। तो एक ओपन पोल है जो आपको दिख रहा है, वन अपॉन एस क्या है, पोल है। ओके, ओपन लूप का, क्योंकि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मौजूद है, तो ये केवल एक ब्रांच होगा आपका रूट लोकस में। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, रियल एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो तो बनाने के बाद देखेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं। तो अभी मैंने क्या देखा, थोड़ा मैं स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ, डायग्राम सबसे बाद में देखेंगे कि कितने ब्रांचेज होंगे। तो एक ब्रांच होगा क्योंकि एक ओपन लूप पोल है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों ही हमारा सेटिस्फाई ये कर रहा है, जो कि हमारा थर्ड प्रॉपर्टी तो ये वाला था कि डिपार्चर वाला k इज इक्वल टू जीरो से डिपार्ट करना चाहिए पोल से, और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अराइव करना चाहिए। देखो यही एक एक प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगा बनाने में। कैसे, देखो डायग्राम को देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो k इज इक्वल टू जीरो है, मुझे ये पता चला इसको मैंने यहाँ बनाया k इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि ये देखो s मौजूद क्या है, s की पावर वन या बोले तो s इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू जीरो। ये जो पोल है वो s इज इक्वल टू जीरो का है, इसका मतलब कि पोल आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो देखो पोल से आपका डिपार्ट करेगा रूट लोकस डायग्राम, तो देखो दो तरफ डिपार्ट कर सकता है, या तो ये राइट में डिपार्ट कर सकता है या लेफ्ट में। ओके, देखो राइट पे डिपार्ट करेगा नहीं, ऐसा क्यों है, क्यों? क्योंकि ये जो पोल है, अगर आप इसके राइट में देखो, इसको मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो ये पोल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पोल के मैं इधर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाऊँ, तो यहाँ पे कोई भी पोल जीरो मौजूद नहीं है, मतलब कि जीरो नंबर ऑफ पोल जीरो मौजूद है, जीरो इज अ इवन नंबर। इसका मतलब कि यहाँ पे कभी भी आपका आपका रूट लोकस लाई नहीं कर सकता हमारे कॉन्सेप्ट के प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब मैंने इसी का अपोजिट बोला, अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ, मान लो इन पॉइंट पे चेक करूँ, इसके राइट में क्या है, एक पोल मौजूद है, समझ रहे हो,
इधर इस एक्सिस पे, इस साइड में, लेफ्ट वाली साइड में कोई भी पॉइंट में मैं चेक करना चाहूँ रूट लोकस लाई करेगा या नहीं। इसके राइट में क्या है, एक हमारा पोल मौजूद है और एक है ऑड नंबर। ऑड का मतलब कि इन पॉइंट के राइट में मौजूद है, इसका मतलब कि इधर पूरे के पूरे पार्ट पे आपका रूट लोकस लाई कर सकता है। तो इसी वजह से हमें ये समझ में आया रूट लोकस आपका ओरिजिन से डिपार्ट करेगा क्योंकि ओरिजिन पे पोल है। और ये देखो ये जो ये ब्लू सा हाईलाइट है यहाँ पे रूट लोकस हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट लोकस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डायग्राम है भले ही हार्ड पर उसका एक एक चीज़ को आप समझते चले जाओगे तो ईजी हो जाएगा। तो देखो इधर जब जाएंगे तो रूट लोकस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है, केज कल्डू जीरो पे आपका पोल है, ओपन लूप पोल, उसके इस साइड को आपका ये जो येलो वाला हाईलाइटेड है यहाँ पूरे के पूरे पे आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। और केज कल्डू इन्फिनिटी जो बिल्कुल लास्ट में जाके इन्फिनिटी पे है यहाँ पे जाके आपका ये क्या हो जाएगा, अराइव करेगा। अराइव क्या करेगा, इन्फिनिटी पे अराइव करेगा। और ये जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है इसी को असिम्प्टोट बोलते हैं। ओके, तो ये असिम्प्टोट है। अब आप ये देख के बताओ कि असिम्प्टोट आपका रियल एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है या नहीं। तो ये सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो समय के संग बढ़ती है। जैसे इधर आप जा रहे हो ना तो ये के की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। और ये जो एक्स की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, एक्स पता करने के लिए के की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम के की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये चीज़ होगा। तो देखो ये क्या लिखा, रूट लोकस एग्जिस्ट। तो पॉज करके अगर आप देखो इस डायग्राम में जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जा रही होगी। अब देखो क्या क्या बच गया, ये डिपार्चर एंगल बच गया, ये सेंट्रॉयड बच गया, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। केज कल टू आपका क्वेश्चन मार्क, केज कल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता होना चाहिए इस जगह पे निकालने के लिए। तो ये चीज़ है, बाकी लगभग लगभग आपका इस डायग्राम के अंदर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमने कर दिया, देख लिया, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी वही वाला कह रहा है, ठीक है, कि ऑड होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो होना चाहिए, वहीं पर लाई करेगा। तो वो भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू एट प्रॉपर्टी जो हम एंगल निकालेंगे असिम्प्टोट का, तो आपका 180 डिग्री आएगा, इधर 0 डिग्री होगा वो, या ठीक है वो एट प्रॉपर्टी क्या कहता था कि अगर आपका सिंपल पोल, रियल पोल या रियल जीरो लाई करता, सिंपल रियल पोल, तो क्या होता था, आपका एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो देखो ये जो एंगल होता है अगर आप इधर से इधर जा रहे हो ये, तो ये पूरा एंगल या तो आप ऐसे इसको 0 बोल सकते हो या 180 डिग्री बोल सकते हो, इसको 0 ही मानो, ये 90 डिग्री दिख रहा है ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ से इधर जाना है, आप यहाँ पे हो आपको इधर ऐसे जाना है, तो ये जो पोल है इसके रिगार्डिंग ये जो पाथ है ये कैसा हो गया, ये 0 डिग्री पे हो गया। ओके, और ये जो एंगल है ये 90 है, तो 90 से मतलब नहीं, ये 0 डिग्री हो गया। तो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा यहाँ पे, इसको हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। फिर आता है ओपन लूप जीरो की वैल्यू, जो कि के इक्वल है, इक्वल टू जीरो ओपन लूप जीरो, 10 इज एट इन्फिनिटी सो असिम्प्टोट अकर्स, 10 क्योंकि इन्फिनिटी पे है। अब देखो एक पॉइंट और वो क्या था, बहुत शुरू से ध्यान करो, हमने क्या कहा था कि जो कि डिफरेंस होगा पोल और जीरो का, पी माइनस जेड या जेड माइनस पी, है ना। तो यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, तो केवल जीरो नहीं है तो ये तो आप हटा दो। पी माइनस जेड का मतलब 1 - 0 मतलब आपका 1, तो 10 जो होगा वो हम अज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। ओके, हमेशा हम पी और जेड की वैल्यू को इक्वल करना चाहेंगे, समझ रहे हो। अगर इक्वल नहीं है तो हम मान लेंगे कि जितने भी हमारा कम पड़ रहा है उतना हमारा इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू जीरो से शुरू होके ये हमारा रूट लोकस ऐसे सीधे जाते 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 180 डिग्री पे जाते जाते, डिपार्चर का एंगल जो है ये 180 डिग्री है। ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 180 डिग्री है एक्चुअल में। तो जाते 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 कहाँ तक जाएगा, जो हमारा जीरो मौजूद है इन्फिनिटी पे, और उस वैल्यू को लिखेंगे k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जीरो मौजूद है जो कि पॉइंट होगा k इज इक्वल टू इन्फिनिटी का। ओके, सेंट्रॉयड क्या कहता था कि जितना भी रियल वैल्यूज है आपका पोल्स का उसका सम और आपका जो जीरो का रियल वैल्यू है, तो पोल की कोई वैल्यू ही नहीं है, पोल की वैल्यू क्या है, एस इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो, जीरो कोई मौजूद नहीं, तो ऊपर जीरो, नीचे क्या आप लिखेंगे, पोल माइनस जीरो, पी माइनस जेड, तो वन, तो जीरो, तो सेंट्रॉयड जीरो। इसका मतलब आपको ऐसे भी पता चल गया कि ये आपका जो रूट लोकस डायग्राम है ये सेंट्रॉयड के इज इक्वल टू जीरो, यहाँ मतलब के इज इक्वल टू जीरो पहले तो यहाँ लाई करेगा ओरिजिन पर, सेंट्रॉयड भी यहीं लाई करेगा। जरूरी नहीं है कि जहाँ के इज इक्वल टू जीरो लाई करे वहीं पर सेंट्रॉयड लाई करे, तो पर यहाँ पे ऐसा है कि k इज इक्वल टू जीरो पे आपका स्टार्ट हुआ रूट लोकस डायग्राम और सेंट्रॉयड भी यही लाई कर रहा है। तो अब बताओ, पॉज करके देखो कि इस डायग्राम में सारी चीज़ें मैंने जो लिखी हुई हैं वो आपको बता दी कि नहीं, एक एक चीज़ आपको बता दी, समझ में आ गई होगी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे किस एंगल से डिपार्चर एंगल क्या होगा, डिपार्ट करेगा कहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा
कहाँ पे जाके अराइव करेगा, सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें। ओके, तो इसी चीज़ से ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उसके बाद हम लेक्चर 9B में फिर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रूट लोकस के।